कहाँ से? बीच में आना जरूर। हाँ, क्या बोल रही थी मैं? यही हाँ समीक्षा, तुमने आज सॉरी बोला, मैंने कल प्रिया को बोला था जस्ट फॉर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। ना तुम आज छोटे हुई ना मैं कल छोटे हुई थी। इट्स द बिगर पर्सन एक्चुअली, इज द ट्रेट ऑफ अ बिगर पर्सन। मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ टाइम मत वेस्ट कर, इट्स ओके, दोस्तों को ज़्यादा जस्टिफाई करते नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट, गो एंड दूसरों को कन्विंस करो, आई होप कि तू सेव रहे। समीक्षा, आई टेल यू वन थिंग, मेरे दिमाग में अभी तीन सीनेरियो चल रहे वेयर आई कैन डेफिनेटली सेव यू। आई एम गिविंग यू वर्ड कि आई नहीं, यू विल बी सेव्ड। ये तीन सीनेरियो चल रहे हैं, पर इफ आई वर्क फॉर यू, ठीक है, जैसा मैंने सोनू के लिए किया, ही हैज कम्प्लीटली क्रश्ड माई कॉन्फिडेंस और यू नो अंडरस्टैंडिंग की फ्रेंड्स डू एग्जिस्ट बोली। आई डोंट बिलीव इन दैट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट द एडवांटेज। आई वर्क फॉर यू, मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, आप बचना बोलेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो आई हैव थ्री वोट्स, नॉट दीज पीपल, यू नो द नेम्स फरा, यू नो द नेम्स सैंडी एंड माइन, एंड ऑल्सो देर इज़ वन पर्सन जिस जो छुप के खेल रहा है लेकिन मेरे साथ खेल रहा है, समझ रहे हो आप? इफ़ यू से कि वॉट यू आर गोइंग टू गिव मी, वॉट इज़ द एडवांटेज, जो एडवांटेज जो आप मुझे दे सकते हो, बिकॉज फ्रेंडशिप आई डोंट ट्रस्ट दैट एट ऑल। वो तो देख लिया ना आपने, सोनू ने, वॉज दैट जस्टिफाइबल? आपने देखा ना वो लोग ने कैसा मेरे साथ बिहेव किया, जो बदतमीजी थी। मैं इज्जत से पोलाइटनेस से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो तरीके से आप लोग बात कर रहे थे, वॉज इट जस्टिफाइबल? जस्टिफाइबल नहीं था, बट मैंने जो पॉइंट ओवर था ना, ज्यादा था ना, उसको जस्ट एक आध बोल के मैंने एग्री किया, एंड आई वाज लाइक, मैं सर की तरफ स्माइली कर रही थी कि शायद हाँ मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है, मेरे लिए थोड़ा ओवर हो गया था, बट वहाँ पे सबका ये हो जाता है कि सबके साथ। दैट इज डन, टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज विल आई गेट, क्या एडवांटेज मिलेगा कि मैं आपको सेव करूंगा? बिकॉज सीधी सीधी बात है, आप मेरा कनेक्शन तो हो नहीं, यू आर नॉट फरा, आप सैंडी नहीं हो, आप वो इंसान नहीं हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये टेंट वाले भी आज अब दे लोग मेरे को देख, जो फील, दो दूसरे हैं ना, ओके, उनके साथ तेरा क्या कनेक्शन? लाइक गीतिका तुझ पे कल कितना चिल्लाई है, मैंने डजंट मैटर, मैं आगे की सोच रहा हूँ, मुझे यानी आगे जितनी आगे जा सकता हूँ वो सोच रहा हूँ, मुझे वोट आउट्स की परवाह है, अब मेरे को टास्क करने का तो मौका मिल रहा नहीं, तो मैं यानी यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस सीधी सीधी बात है आपको दिखता नहीं दिखता, आई विल वर्क फॉर यू, जस्ट टेल मी कि मुझे क्या फ़ायदा होगा आगे। देख सब देख रहे हैं, और फिर मैं तुझे ये नहीं बोल सकती मैं सब में से तुझे सेव कर लूँगी, बट अगर अब उन लोगों में से कोई आया जो अब मुझे स्पेसिफिक, यू आर नॉट गिविंग मी एडवांटेज, गिव मी अ प्रेफरेंस नंबर लिस्ट बोला आपकी, हु इज हु मैटर, आई डोंट केयर, थर्ड भी आया तो चलेगा मुझे, जस्ट गिव मी दैट प्रेफरेंस लिस्ट, कहने हाँ ये लोग अगर वोट आउट में रहेंगे तो आई विल नॉट एटलीस्ट आप मेरे अगेंस्ट वोट नहीं करोगे, लेकिन आप मेरे किसी और एटलीस्ट सुनोगे आप मेरे लिए, कि नहीं किसी और के लिए वोट आउट कर दे सकता, लेकिन मेरे लिए कभी वोट आउट नहीं करेगा, एक नंबर, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं समझे, फॉर एग्जांपल आपका जो भी दो कनेक्शंस है और मैं हूँ, ठीक है, देख मेरी उनके साथ नहीं बनती, नहीं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी मैं नहीं होने वाली हूँ, तुझे पता है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस मैं नहीं होने वाली, इट विल बी गीतिका, ऑब्वियसली गीतिका एंड प्रिया दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्यों बोलूँ? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं वो टेंट में था, गीतिका उनकी छोटी बहन की वैसी है, और प्रिया इज अ कनेक्शन एक्चुअली, क्योंकि प्रिया के पीछे है वो लोग कंबल गैंग खेल गए, मैंने देखा, क्योंकि आप है दूसरे, आप भी थे हमारे ही ट्रैवलिंग कैब में, थे आप बस में, आप साथ में थे, तो आप देखे ना कि जो तरीके से प्रिया से बॉन्डिंग थी, तो आपकी बॉन्डिंग का प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी देर आप यहाँ पर थे, थोड़ी देर आप वहाँ पर थे, आपने एक जगह स्टैंड लिया, ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टेल मी एडवांटेज, गिव मी दैट, गिव मी द वर्ड, I can promise you, if you give me the word, and I think you look like a person, जो आईने अपने मैं तुझे इतना बोल सकती हूँ, तीन में से एक निकालने का ऑप्शन होएगा, तो मैं दूसरी प्रायोरिटी निकालूंगी अपनी फर्स्ट की जगह, तो मैं तुझे सेव करूंगी। मैं ये नहीं बोल सकती मैं बिल्कुल तेरा ही नाम लिख दूंगी, तुझे ही सेव करना है, बट मैं तुझे सेकंड प्रायोरिटी जरूर दूंगी। ठीक है, तो आपके लिस्ट में मैंने एक ऑलरेडी इंसान है जो प्रायोरिटी है आपकी, सेकंड इंसान नहीं, सब में से लाइक तीन लोग अगर जा रहे हैं तो अगर मेरी वो दो सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है ना, मैं तुझे अलग रखूंगी, उन दोनों में से सोचूंगी किसको निकालना है, ये बोल रहा हूँ। हाँ मैं ठीक है, समझ गया, मुझे चार वोट फिर पक्का चाहिए, बेशक दूंगा मैं, लेकिन स्टे ऑन योर वर्ड्स कि यानी अगर तीन लोगों में से मैं रहा तो मेरे अगेंस्ट वोट नहीं आएगा, जो दूसरे दो है उनमें से किसी एक मुझे वोट स्प्लिट किया, स्प्लिट चाहिए मुझे, खाली वोट स्प्लिट चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट अगेंस्ट मी, जस्ट वोट स्प्लिट चाहिए, ठीक है, कूल, आई स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, थैंक यू। चार वोट कौन थे? वन
आप अपने डिसीजन से एंटाइटल्ड हो. डोंट लेट एनीवन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन वन. ठीक है, विदित के आपको बुरा लगा था जब विदित गया था. बट हम इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस तो नहीं, बट हम भेड़ चाल में चले थे. तुम किसे सेव करना चाहो? मैं देख, मेरा प्रिया और गीतिका को लेकर लॉयल्टी है मेरी, क्योंकि दोनों मेरे बहुत सही दोस्त हैं. ठीक है, वन टू दोनों ने सुबह मुझे बहुत ट्रस्ट किया. गीतिका के लिए तो मैं आई ओवर बिकॉज कल उसके कारण मैं टास्क भी कर पाई. राइट, कल बार राइट. एंड प्रिया का ये है, हम दोनों चाहते हैं रफ्तार सर के गैंग में जाना. ऑल दो मेरे लिए वो कॉम्पिटिशन है, पर अगर वो बंदी रफ्तार सर के गैंग में जाती है और मैं भी जाती हूँ तो मेरे लिए अच्छा है ना मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यार रफ्तार सर की गैंग में फारा गई है. वो फुटेज क्या कहते हैं उसको, उसके ड्रामे है, पता है तुझे ये बात. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो परफॉर्म नहीं कर सकती. नहीं नहीं नहीं, वो ड्रामे करेगी. ठीक है, तो एटलीस्ट दो लॉजिकल बंदे अगर रहे, बंदियां जो भी जैसे भी, अब कहीं भी अलग बात. ये मैं हाइपोथेसिस दे रही हूँ. ठीक है, अब समीक्षा का क्या है? हाय समीक्षा. क्या देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंसेस तो फर्स्ट प्रेफरेंसेस हैं और तुम्हारी किससे कितनी बात होती है. तो फिर सेव अगर दो नामों में से एक आएगा लाइक लास्ट में, तो मुझे एटलीस्ट सेव कर लोगे तीनों में से एक नाम में अगर सेव करने पे आया. लाइक आई एम सेइंग कि आई गेट योर्स. एक तो मेरा ये हो रहा है कि ये दोनों मेरे बहुत क्लोज हैं. कितने का इज आई थिंक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया यहाँ पे कि अगर बारी आएगी फर्स्ट बचाने की, मैं गीतिका को बचाऊंगी. बट ओवर द कपल ऑफ पास्ट कपल ऑफ डेज प्रिया और मेरी बहुत सही बॉन्ड हो गई है. एंड प्रिया और मैं सेम गैंग में जाना भी चाहते हैं, तो मेरे लिए वो एक एसेट है उसको साथ में रखना. बिकॉज आई नो जब हम एज अ टीम करेंगे कुछ भी, इट विल बी समथिंग गुड. मतलब यू गेट माई पॉइंट. ऐसा नहीं है मतलब उसके साथ मेरे को कोई लाइबिलिटी नहीं फील होती कि वो थ्रेट है मेरे लिए. बिकॉज अगर हम सेम गैंग में जाते ही हैं तो वो तो हमारे गैंग लीडर के लिए अच्छा है ना. बट ये पक्का तो नहीं होता ना, पक्का नहीं है, हाइपोथेसिस. मतलब अभी शिलोंग में थोड़ा सा जर्नी बाकी है, जितनी भी बाकी है आई एम स्टिल होपिंग कि मुझे टास्क परफॉर्म करने का चांस मिलेगा. नहीं, यू आर सेफ ऑलरेडी. सेफ? हां, आई एम सेफ फॉर टुडे. हां, सेफ फॉर टुडे का टास्क शायद हो. हां होगा, देख शायद मैं तेरे रूम में होती, शायद हमारी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती. एग्जैक्टली. अच्छा, तुम्हारे रूममेट्स क्या चाहते हैं? मेरे रूममेट्स तो म्यूचुअल रहते ही नहीं, तुम्हें पता है कौन कौन है मेरे. कशिश, निष्कर्ष, हाँ, प्रीति एंड पवनीत. तो फिर मैंने लोगों से जाके बात किया. आपको साइड वाले टेंट में क्या हुआ है? कोई नहीं जवाब दे रहा है, लाइक सब एनोनिमस रखना चाहते हैं. कि आपने विदित के अगेंस्ट किया था? हाँ, ये बात आएगी, ये बात हम सबको इल बाइट अस इन द एस, बिकॉज वो बदला लेंगे. दे हैव नथिंग टू लूज दिस टाइम, वी हैव अ लॉट टू लूज. वी हैव थ्री, तीनों हमारे लोग हैं, तीनों हमारे मतलब नॉर्थ जोन वाले. बट इन अ वे यू आर सेइंग कि हम तीनों में से इफ सेव आप प्रिया और मेरे पास यार गीतिका को ज्यादा ऑप्शन नहीं है. मतलब आई एम स्टक बिटवीन माय लॉयल्टी फॉर द टू पीपल आई शेयर द टेंट विद एंड वन पर्सन हू आई नो वेल. मैं आपको जानती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं जानती, हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं. बट अगेन इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक यू, आई लाइक देम बेटर. आई वोंट वोट यू आउट, मैंने बोल दिया. He's actually saying कि वो आपको नहीं हटाना चाहते. ठीक है, तुम बाकी को ट्राई करो. आप एक्चुअली साइड वाले टेंट से निकालो, बीच वाले टेंट से. I'll be very very honest with you right now. और गैंग लीडर से पिच करो कि तुम्हें सेफ करे. गैंग लीडर पिच करो. आप एक्चुअली थोड़ा नहीं, आप बहुत डेंजर. प्रिया के पास गैंग लीडर सपोर्ट निखिल सर ने पिच किया उसके लिए. उसको उसके लिए रफ किसने आया था? प्रिंस सर ने खाया था. एंड रफ्तार सर वॉन्ट्स हर, सो शी हैज थ्री पीपल बैकिंग हर. You need to work right now. मैं next देखती हूँ. You work the side tent. You get information from them. And you don't lose hope. Because you never know. Same हम ये नहीं कह रहे कि जो लड़कों में twist आया था वो हमारे में आएगा. But the game can change any time. I was expecting Nikhil sir मेरे को किसी आज gang में डालेंगे. I was just standing there like a fool with no task and no gang. So. I think you should just try and don't lose hope right now because aapko bhi twist nahi pata, hame bhi nahi pata. Kuch aaya, it could work in your favor. True. Let me try then. Try. Be a second tent. Yahan pe bahut mushkil hai convince karna kisi ko bhi. Nahi, wo Vidit ka badla lenge na. Priya ne bhi Vidit ko kiya tha.
तो गीति का तीन और एक आता वो तो उन्हीं को मना सकते हैं अदरवाइज दे हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन तीनों में से एक भी जाएगी हमारा लॉस उनका गेन है उनका एक उड़ाया हमारा एक उड़ा देंगे सुन अब नाउ दैट शी इज पिच्ड एंड नाउ दैट यू टोल्ड हर कि मैं नहीं कर रहा मत करो उसके अगेंस्ट वोट